गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था गोदावरी फ्लोज बिटवीन सतमाला एंड बालघाट, और फिर टाफी फ्लोज बिटवीन सतमाला एंड सतपुरा सिव समुद्र फॉर फर्स्ट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एशिया। ड्यू टू एक्सेसिव वाटर दिस रीजन इज फेमस फॉर शुगर कैन। ठीक है, रिवर तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मलाड रीजन। अब सपोज ये इंडिया है, ये हो गया पंजाब हिल, राजस्थान प्लेट्यू, गंगा अपर प्लेट्यू, प्लेन मिड गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, हिमालय प्लेन, भिवानी भागर, और ये क्या है रिवर्स, ये सारे जो है रिवर है। द ग्रेट प्लेन हैव बीन फॉर्मेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन द डिप्रेशन और फ्री फोर्स डीप पोर डीप। तो ये जो ग्रेट प्लेन है वो किसके कारण फॉर्मेड होता है, तो सेडिमेंट्स के डिप्रेशन के कारण ये फॉर्म्ड होता है। विच लाई बिटवीन हिमालयाज एंड पेनिसुलर प्लेट्यू, ये जो है किसके बीच में होता है, हिमालय और पेनिसुलर प्लेट्यू के बीच में होता है। दिस डिप्रेशन वॉज फॉर्मेड बिकॉज द इंडियन प्लेट आफ्टर कॉलिजन अबडक्टेड बिलो द यूरेशियन प्लेट। तो ये जो डिप्रेशन होता है क्यों फॉर्म होता है, तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के टकराता है तो उसके अबडक्शन से ये डिप्रेशन बनता है, जिसके कारण की ग्रेट प्लेट बनता है। ओके, दस माइटी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय डिपोजिटेड। तो माइटी रिवर जो है हिमालय डिपोजिट के कारण बनती है। द सेडिमेंट फॉर्मिंग वन ऑफ द मोस्ट फ्लैटेस्ट लैंड ऑन द अर्थ नोन एज ग्रेट प्लेन्स। मतलब कि जो सेडिमेंट होती है वो जो फॉर्म होती है उसको हम ग्रेट प्लेन्स कहते हैं। द पेनिनसुलर रिवर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट प्लेन। तो जो पेनिनसुलर रिवर है वो ग्रेट प्लेन्स के बनने में कंट्रीब्यूट करती है। अब ये फिगर है, ये हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ ग्रेट प्लेन बना, और इधर क्या है पेनिनसुलर हाईलैंड है। ठीक है, ये ITC इंडो सैंगपो सचुअर जोन है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, MFF क्या है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, MBF मेन बाउंड्री फ्यूडल फॉल्ट है, ये हार्ड क्रिस्टलाइन आर्कियन रॉक्स है। ओके, द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेटेड शिवालिक फ्रॉम द ग्रेट प्लेन। तो जो हिमालयन MFF है वो सेपरेट करता है ग्रेट प्लेन को शिवालिक रेंज से। ठीक है, उसके बाद जो है कि द ग्रेट प्लेन आर मोनोटोनस फीचरलेस फॉर्मेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्लूवियल सेडिमेंट ब्रॉट बाई रिवर, हैंस दे आर नोन एज एग्रीडेशनल डिपोजिशनल प्लेन्स। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट एलुवियल सॉइल हैज़ हेल्प्ड इन द डिपोजिशन ऑफ डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न। जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है सॉफ्ट एलुवियल सॉइल का वो हेल्प करती है किसके डेवलपमेंट में, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न के डेवलप में हेल्प करता है। द ग्रेट प्लेन्स एक्सटेंड फॉर 3,200 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया टू ब्रह्मपुत्र, मेकिंग इट द लार्जेस्ट अरेबल लैंड इन द वर्ल्ड। तो ग्रेट एक्सटेंट फॉर 1,200 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, मेकिंग इट अरेबल लैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद है द विड्थ ऑफ द प्लेन इज वाइडेस्ट इज द वेस्ट 500 किलोमीटर, वाइल इट इज वेरी नैरो इन द ईस्ट। तो ये जो है ईस्ट में बहुत नैरो होता है। द एवरेज हाइट इज 200 अबव द सी लेवल, जो 200 अबव द सी होता है, इसकी एवरेज हाइट कितनी 200 अबव द सी लेवल की। दिस हाइट इंक्रीजेज बिटवीन द अम्बाला टू सहारनपुर। ठीक है, ये हो गया, ये अम्बाला है, ये दिल्ली रेंज है, ये सहारनपुर है। ठीक है, अब है
which act as dividing line between Indus River and Ganga River system. ओके तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे किस ग्रेट प्लेन्स की. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इंफॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल का वीडियोस देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन पाते रहिए और एग्ज़ाम में पास होते रहिए. ये जो वीडियोज़ है ये आपको मतलब कंपटीशन में भी काम देगा और जो स्टूडेंट जो है मतलब प्लस टू कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ओके ओके थैंक यू. कल मिलते हैं.